मोदी सरकार प्राइवेट मजदूरों और कर्मचारियों को 2019 से बंपर गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है, जिसे जानकर सभी कर्मचारी खुश हो जाएंगे। मोदी सरकार नहीं चाहती कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने के चक्कर में मजदूरों के बीच उसकी छवि खराब हो या मजदूरों को कोई नुकसान उठाना पड़े। ऐसे में सरकार 3 महत्वपूर्ण कानून लेकर आने वाली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, मतलब कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने के हालात। इसमें प्रावधान है कि कम से कम 10 कर्मचारी वाली कंपनी, फैक्ट्री या संस्थाओं को अपने हर एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर देना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो कर्मचारी से काम नहीं ले सकते। कार्यस्थल पर कर्मचारियों को सुरक्षा देनी होगी। कर्मचारियों के कार्यस्थल पर बीमार होने या घायल होने का रिस्क लेना होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का दूसरा विधेयक होगा कोड ऑन वेजेस, यानी कि न्यूनतम मजदूरी सरकार तय करेगी। तीसरा विधेयक होगा रिटायरमेंट के बाद लाभ, मतलब रिटायरमेंट, हेल्थ, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और मैटरनिटी बेनिफिट्स हर कंपनी को देने होंगे। फिलहाल सरकार के मंत्री संतोष गंगवार ने इशारा कर दिया है कि नीति जल्द ही तैयार हो जाएगी और 2019 चुनाव से पहले ही इसे मोदी सरकार लागू भी कर देगी। अगर ऐसा होगा तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के अच्छे दिन आ जाएंगे।